फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र में कूड़े में आग लगने से हड़कंप मच गया, वहीं बड़ी मात्रा में जहरीले कूड़ा धू धू कर जला। अलीगढ़ में डॉक्टरी परीक्षण कराने आए दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, वहीं पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। जालौन में नदी में नहाते समय युवक की नदी में डूबने से मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई की। शामली में अपने ही घर की छत पर खेल रही 3 साल की बच्ची को हाईटेंशन करंट लगने से उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई, जिसके बाद लाइन बंद होने के बाद बच्ची के शव को छत से उतारा गया। बिजनौर में 7 दिन से लापता युवती का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया, जिसको लेकर पुलिस हत्या की जांच पड़ताल में जुटी। रामनगर में 18 मार्च से लापता 37 वर्षीय युवक का शव कोसी नदी की फीडर के पास मिला, शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ में बीते गुरुवार को होलिका दहन के दिन जोगीरा गाना और धूल फेंकने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, वहीं युवक इलाज के अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। अलीगढ़ के कैर क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, वहीं परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच में जुटी है। अमेठी के मुजफ्फर खाना कोतवाली क्षेत्र में देर रात शौच के लिए घर से निकले 21 साल के युवक का गाँव के बाहर कुएं में शव मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच में जुटी।